जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 15 तारीख है और टाइम हो गई है मेरे ख्याल में 7:24 AM और डाउ जोंस 156 पॉइंट माइनस बंद हुआ। SGX निफ्टी भी कुछ 40 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, 40 पॉइंट्स माइनस 17887। चलिए बात करते हैं, फटाफट चर्चा करते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट चर्चा। आज बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा भाई लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मार्केट, कल मैंने आप लोग को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया, मार्केट एग्जैक्टली 954 पे जो कल हाई बनाया वो एग्जैक्टली फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो कल अगर मेरा वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ गया। अगर मार्केट आज उस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाता है तो यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की फॉल डेफिनेट है। और अगर आज मार्केट 900, पहला पॉइंट तो 928 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है क्योंकि सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आज 960 को काट नहीं पाता, 960 जो कि 50 EMA भी है और उस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पॉइंट भी है क्योंकि कल 954 पे रुक गया था, तो अगर दोनों को काट के निकल जाता तो फिर तेजी स्टार्ट 300 से 400 पॉइंट मिनिमम तेजी मिलेगी निफ्टी में अगर 960 को पेनेट्रेट करके काट देता मार्केट। और वहाँ पे 15 मिनट की दो कैंडल कंसेक्यूटिवली बना देता है उस लेवल के ऊपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं गट फीलिंग है कि शायद नहीं काटेगा। आप देखे थे कल रात को SGX निफ्टी आपको 960 तक दिखाया लेकिन अब 40 पॉइंट माइनस दिखता है। अमेरिका में बहुत लोग बोलेंगे महंगाई के आंकड़े खराब, नहीं बहुत अच्छे हैं, ख़राब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इस बार उन्होंने एक 1-on-1 सिस्टम लागू किया जो पहले के सिस्टम से उससे भी कुछ इफेक्ट हुआ, प्लस 6.5 पहले था, 6.4 आया, 6.24 की एक्सपेक्टेशन थी, नॉट बैड आप बोल सकते हो। तो इसीलिए अमेरिकन मार्केट कल 450 पॉइंट गिरने के बावजूद सिर्फ 150 पॉइंट पे क्लोज हुआ माइनस में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हाँ, कल एक ऐसा चीज़ हुआ जो मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, कल FIs ने कैश मार्केट में बाइंग की है अच्छी खासी 1200-1300 करोड़ की, जबकि पिछले वाली बाइंग में तो हम बोल सकते हैं कोफोर्ज का सौदा शामिल था, कोफोर्ज का ये बल्क ब्लॉक डील थी तो वो, लेकिन कल वाली बाइंग में कोई सौदा शामिल नहीं है, कल रियल में जेन्यून बाइंग है। और ना कि सिर्फ कैश मार्केट में, FIs ने कल फ्यूचर्स मार्केट में जबरदस्त बाइंग की, जबरदस्त बाइंग ऑफ दिस लास्ट 3 मंथ्स, इतनी बड़ी इंडेक्स फ्यूचर में एक दिन में बाइंग मैंने शायद पिछले 3-4 महीने में नहीं देखी। एक दिन में 40,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर के बाई किए उन्होंने, हालांकि उनके बहुत सारे शॉर्ट थे, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के करीब शॉर्ट खड़े थे, तो ऑब्वियसली वो लोग के शॉर्ट जो थे वो काफ़ी हो चुके थे तो उनको ख़रीदना तो था ही, लेकिन कल जो उन्होंने किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो चलिए मैं वो डाटा थोड़े से और पढ़ के बताता हूँ। आज के मार्केट में मैंने बताई दी आपको, 928 के ऊपर क्लोज आए लॉन्ग हो जाइए, क्लोजिंग ध्यान दीजिएगा, इंट्राडे से मतलब नहीं है, ठीक है। तो कल FIs ने, देखिए मैं बता रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर में बाई किया 29,487 कॉन्ट्रैक्ट और इंडेक्स में बाई किया 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स कॉल में 30,000 कॉन्ट्रैक्ट और इंडेक्स पुट को शॉर्ट किया 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो पूरी तरह से FIs ने कल 22 बुलिश कॉल लिया, इस तरह का बुलिशनेस बहुत रेयर देखा मैंने पिछले 3 महीने में FIs की तरफ से। तो या तो ये तूफान आने वाला तेजी का, इसके लिए भी तैयार रहिए। तो आपको ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं दौड़ाना है कि 929 पे हम क्लोज हुए कल, 929 पे अगर आज हम एक पॉइंट भी ऊपर क्लोज होते हैं तो मार्केट ऊपर है, अगर हम 5 पॉइंट भी नीचे क्लोज होते हैं मार्केट गड़बड़ है, ठीक है। सिंपल, एक पॉइंट ऊपर मार्केट ऊपर है क्लोजिंग, 5 पॉइंट से ज़्यादा नीचे मार्केट गड़बड़ है, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ। और इंट्राडे में अगर आपको तेज़ी करनी है वेट करिए 960 को क्रॉस करने का, ठीक है।
960 क्रॉस करे तो इंट्राडे में तेजी करेगा, उसके पहले मुझे नहीं लगता कोई तेजी करनी चाहिए। हाँ, FIs के आंकड़े बड़े उत्साहवर्धक है, उसको देख के लगता है कि FIs सडनली अपना पासा पलट रही है। और FIs जब जब पासा पलटती है तो क्लाइंट बेचने में आ जाते हैं और DIs भी थोड़ा अपना माल हल्का करती है, तो ऐसा कल देखने भी मिला। क्लाइंट ने काफ़ी शॉर्ट पोजिशन क्रिएट की है, तो आज इंटरेस्टिंग रहेगा हु विंस। मैं बोलता हूँ साइडलाइन में बैठो, देखो, मजा लो। अगर मार्केट 850 के नीचे फिसलता है शॉर्ट मार दो, 960 के ऊपर जाता है लॉन्ग इंट्राडे में बाई करके खेलो। सिंपल 850, 960 ये लेवल याद रखिए इंट्राडे प्लेयर्स, ठीक है। और पोजिशनल प्लेयर 929 के एक पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, तेजी है। 929 से 5 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, गड़बड़ है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। बैंक निफ्टी अभी भी मुझे कमज़ोर दिख रहा है, भले ही कल बढ़ा, ठीक है। और वेबिनार के लिए तो पता ही है 1 मार्च से स्टार्ट है, तो जिसको करना है भाई ज्वाइन कर लेना। 9635476788 पर अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो व्हाट्सएप करना। और फीस 25,000 है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं या फिर कॉलेज गोइंग है, अगर प्रूफ देते हैं तो उनको अलाउ किया जाए 20,000। साथ में आपको एक बोनस है, ये ग्रुप जिसमें आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन के कॉल मिल रहे हैं जो 1 या 2 दिन में डबल हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो उसका फ़ायदा भी आप होली तक आपको उस ग्रुप में रखा जाएगा, तो वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।